सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के एनकाउंटर के बारे में, इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हम बात करने वाले हैं साथ ही में कि दुबई के पिच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये 28 अगस्त को ये मैच खेला जाएगा उसी ग्राउंड के बारे में। और उस सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है इंडियन फैंस के लिए कि शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो आउट हो चुके हैं इंग्लैंड की सीरीज से, और साथ ही साथ में वो आउट हो चुके हैं एशिया कप से, जो कि बहुत बढ़िया रिलीफ है इंडिया के लिए क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं और साथ में टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है उनको काफ़ी हद तक बहुत परेशान किया था उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप के मैच में भी, और साथ में इंडियन टीम को परेशानी हुई है 5-6 सालों से लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट। जहाँ तक की हम बात करें अभी रिसेंटली इंग्लैंड की सीरीज में टॉप ली और डेविड विली के अगेंस्ट भी इंडियन जो टॉप ऑर्डर है वो नहीं खेल पाया था पंत हार्दिक, और वहाँ पर जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने जडेजा जैसे प्लेयर्स ने वहाँ पर हैंडल किया सिचुएशन को। सो हम देखना चाहते हैं कि अगर अभी शाहीन अफरीदी ने तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ, वहाँ पर इंडिया 30-40% गेम आगे अपने तरफ कर सकता है क्योंकि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड से पाकिस्तान से खेला था इंडिया तब वहाँ पर वो प्रिपेयर नहीं था इंग्लैंड के पाकिस्तान के पेसर्स के लिए। सो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं कि दुबई के पिच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर 28 को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। सो गाइस दुबई का जो पिच है वो हम मान सकते हैं कि बैट्समैन पैराडाइज हमेशा से रहा है, और साथ में वो बड़ा ग्राउंड है बट स्टिल वहाँ पर बाउंड्री कवर्स हो जाती है बिकॉज वहाँ का जो मतलब पिच है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पर मतलब बॉल इतनी स्पिन नहीं करती है, वहाँ पर इतनी स्विंग नहीं करती है। स्टार्टिंग में 2-4 ओवर में दोनों इनिंग्स के वहाँ पर जब नई गेंद मिलेगी बॉलर्स को तब शायद स्विंग हो जाए, बट उसके अलावा वहाँ स्विंग नहीं होती, ना ज़्यादा स्पिन मिलती है वहाँ पर आपको खुद के क्या कह सकते खुद की एबिलिटी, वहाँ पर स्लोअर डिलीवरी जाके ही बॉलर्स को विकेट मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बैट्समैन पैराडाइज है और वहाँ पर जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने का ऑप्शन जरूर लेगा। दूसरी बात यह है कि दुबई के पिच की खासियत ये रही है कि वहाँ पर स्लो बॉलर्स मतलब कह सकते हैं जो मीडियम पेस बॉलर्स हैं उनको हमेशा मिली, क्योंकि बड़े ग्राउंड है तो आप स्लो डिलीवरी डाल सकते हैं और वहाँ पर बाउंड्री की तरफ कैच हो सकते हैं बड़े प्लेयर्स। तो हम देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दुबई का पिच कैसे बिहेव करेगा, बट अभी तक जितना हमने देखा है जितना अब्जॉर्ब किया है वहाँ का ग्राउंड ऐसा ही है कि वहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, बॉलर्स के लिए एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छी खासी स्विंग करा सकते हैं थोड़ी देर तक ज़्यादा, या फिर क्या बोलते हैं स्लो डिलीवरी रेगुलर डाल सकते हैं, अपने पेस में चेंजेस कर सकते हैं रेगुलर, तो जाके आपको वहाँ विकेट मिल सकती है। अब बात करें इंडिया की प्लेइंग 11 के लिए, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें रही है क्योंकि एशिया कप से पहले, क्योंकि उनके जो टॉप टू बॉलर्स हर्षल पटेल और बुमराह वो दोनों एशिया कप से बाहर हो गए इंजरी की वजह से, तो वो दोनों एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जगह आवेश और अक्षदीप सिंह हैं और दीपक चहर है बट वो स्टैंड बाय में, और मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक सरप्राइज ऐसे हूँ कि दीपक चहर को आपने स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा है। और अगर जिनको नहीं पता स्टैंड बाय प्लेयर्स का होते हैं स्टैंड बाय प्लेयर्स वो होते हैं अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उनकी जगह खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो लोग। सो अब देखना होगा कि इंडिया क्या जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 जो होने वाली है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो होगी रोहित और राहुल ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट राउंड विराट कोहली आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके अलावा भुवनेश्वर जो परमानेंट बॉलर है वो खेलेंगे, चहल खेलेंगे, अक्षदीप और आवेश, मतलब तीनों की तीनों सीमर्स खेलेंगे। बट अभी ये डिपेंड है कि केएल राहुल और साथ में विराट कोहली को इतना टाइम नहीं मिला गेम टाइम, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा शायद आवेश खान को बाहर बिठा के एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दिए जो कि हो सकते दिनेश कार्तिक या दीपक हुड्डा की ज़्यादा एबिलिटी बिकॉज वहाँ 6 बॉलर का ऑप्शन मिल सकता है, वहाँ पर वो 2-4 ओवर डाल सकते हैं, हार्दिक पांड्या आपके 4 ओवर डाल दे तो देखना इंटरेस्टिंग क्या होगा। बाकी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 99.9% है कि ये टीम उतरेगी, बाकी 1% चांसेस है, वरना 1% चांसेस की जगह जो टीम है वो होगी शायद दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक को अंदर ले ले जबकि एक बॉलर को बाहर बिठा दे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।